हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको बीन्स के भाजी बनाना बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। बीन्स के भाजी के लिए मैंने बीन्स लिया है। इसको मैं साइड से कट करके बारीक बारीक काट लूँगी। पहला ये बीन्स मैंने बारीक काट के रख ली है। इसका मसाले के लिए क्या चाहिए हम देख लेंगे। बीन्स के मसाले के लिए मैंने एक कांदा लिया है जिसको मैंने बारीक काट के रखा है। तड़के के लिए मैंने राई ली है आधा चम्मच, कड़ी पत्ता है थोड़ा, और हमको जो मसाला पीसना है उसके लिए मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, एक छोटा टुकड़ा नारियल का और दो हरी मिर्ची। जीरा, नारियल और हरी मिर्ची को हम मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल लिया है, अब इसमें मैं राई डाल दूँगी। राई हो गई है, अभी हम इसमें कांदा डाल देंगे। राई के बाद हम कांदा डालेंगे। कांदा को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए पहले दोनों को चलाते हैं। बीन्स डालेंगे, देखो मैंने 10-15 सेकंड के लिए खाली कांदा को फ्राई किया है। अभी इसमें जो बीन्स काट के रखा है वो डाल देंगे। अभी इसमें हम खाली नमक ऐड करेंगे। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसको तेल में थोड़ा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक बीन्स पक रही हैं, जब तक मैंने मसाला पीस के रेडी कर लिया है। ये देखिए बीन्स पक के तैयार हो गई है। अभी हमने जो मसाला पीस के रखा है वो इसमें डाल देंगे और इसमें मिक्स करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद हमको ज़्यादा पकाना नहीं है, खाली मिक्स करना है और हमारे भाजी तैयार है। ये देखिए हमारे बीन्स की भाजी खाने के लिए तैयार है, रेडी हो गया है। जल्दी बन जाती है, इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है। 5 मिनट के अंदर ये भाजी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर बीन्स की भाजी की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।